एसआरओ 520 जो सरकार ने एक पॉलिसी निकाली डेली वेजर की रेगुलेशन के प्रोसेस में, वो हम सरकार के इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करते हैं कि सरकार ने और खसूसन महबूबा मुफ्ती जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं हमारी स्टेट की, हमारे डिप्टी सीएम साहब डॉक्टर निर्मल सिंह जी और इनके साथ के मंत्री जिन्होंने ये मिलकर ये पॉलिसी निकालने की कोशिश की, हम उसका उनका खैर मकदम करते हैं, लेकिन पॉलिसी में बहुत सारी त्रुटियां हैं, वो आप जो प्रेस के माध्यम से वो सरकार के सामने लाना चाहते हैं। इस SRO 520 में ये भी नहीं दिया है कि डेली वेजर को तनख्वाह कैसे दी जाएगी, ये लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, मिली है आज तक, उनको तनख्वाह कैसे मिलेगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो नीड बेस्ड वर्कर हैं जिनको आज तक पे नहीं मिली है और लिस्ट में जिनका नाम है अपलोडिंग हुई है जिनकी, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिली है, उनको जल्द से जल्द तनख्वाह मिलनी चाहिए। दूसरी मांग ये है कि इस पॉलिसी में कोई प्रॉपर स्केल नहीं है, हम डिमांड करते हैं कि इस पॉलिसी में प्रॉपर स्केल जो है वो होना चाहिए, ग्रेड होना चाहिए और डेजिग्नेशन होना चाहिए ताकि पॉलिसी की पूर्ति हो सके। उसके बाद प्रमोशन एवेन्यूज इस पॉलिसी में बिल्कुल नहीं है, प्रमोशन एवेन्यूज को स्टार्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रमोशन एवेन्यूज इस पॉलिसी में लाया जाए। एसआरओ 43 का बेनिफिट जैसे बाकी एसआरओ में, एसआरओ 64 में था जब बाकी प्रावधान था, एनपीएस में है, इसमें एसआरओ 64 का बेनिफिट भी नहीं है। अब कंक्लूजन में मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि डेली वेजर का फ्यूचर जो है अभी तक हमें खतरे में लग रहा है, इनका फ्यूचर जो है वो क्लियर नहीं है, लिहाजा रिक्वेस्ट की जाती है कि इनका फ्यूचर जो है उसको ठीक करने के लिए जो पॉलिसी है इसको दुरुस्त किया जाए। इनकी जिन लोगों को आज तक एक भी वेजेस नहीं मिली है उनका वेजेस का प्रावधान बनाया जाए, बजट प्रोविजन के अंदर इनकी वेजेस का प्रोस्पेक्ट जो है वो रखा जाए, प्रपोजल रखा जाए ताकि बजट में ये पास हो सके, ताकि इनकी वेजेस जो है बदस्तूर चल सके। मैं एक बार फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और डिप्टी सीएम साहब से ये अनुरोध करूंगा कि जो कठुआ के 177 डेली वेजर नीड बेस्ड वर्कर एक डिवीजन जो एसटीडी थर्ड के हैं और 184 दूसरे डिवीजन के हैं, इन तमाम लोगों के लिए बेजिस का प्रावधान जो है बहुत जरूरी है। अगर बेजिस आपने इनको नहीं दी तो ये इस पॉलिसी में कवर नहीं हो पाएंगे, अगर बेजिस मिलेंगी तो ये इस पॉलिसी में कवर होंगे। बेजिस का प्रावधान इनके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पॉलिसी में ये रखा गया है कि 120 बोचर होना चाहिए, अगर आप इनको बेजिस देंगे तो इनके 120 बोचर बनेंगे, इनकी 10-10 साल की बेजिस जो है वो पेंडिंग पड़ी है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इनकी वेजेस जो है वो जल्द से जल्द जो है वो रिलीज की जाए, और जिन लोगों को लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं जैसे डिप्लोमा है, आईटीआई है, डेली वेजर हैं और डिग्री हैं, इन लोगों के लिए प्रमोशन के एवेन्यूज जो है वो इस पॉलिसी में रखना बहुत जरूरी है। मैं आखिर में यही कहूँगा कि अगर सरकार इनका समाधान जल्दी से जल्दी करती है तो ठीक है, नहीं तो ये लोग काम काज छोड़ के अब हड़ताल और एजिटेशन पे आ जाएंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेवारी जो है सरकार की होगी।